with the girls. अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है यामीन और आप देख रहे हैं मैनली बॉटरी चैनल। आज वीडियो में हम लोगों ने हीटर बनाया है, रूम हीटर, जिसको बनाने का तरीका आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, के साथ साथ बेल आइकन जरूर से प्रेस करें और मुझे दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, इस वीडियो को एक्सपर्ट्स ने बनाया है। इस वीडियो में बनाने वक्त हमने फुल सेफ्टी का ख्याल रखा है, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी रिस्की है, इसमें आग लगने का या करंट लगने का फुल हमने इंतजाम कर रखा था। इस वीडियो को बनाने वक्त इस वीडियो को पहले देख लें, फिर इसको ट्राई करें घर पे, तो ये जरूरी है, वरना कोई भी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं बगैर टाइम को जाया किए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप एक मिट्टी की प्लेट ले लें, उसके ऊपर आप लोगों ने एक स्प्रिंग जोड़ लेना है जो आपको वायर से मिल जाएगा, और उसको दो वायर से कनेक्ट कर लेना है, उसको पीछे नट से टाइट कर लें, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है। उसके बाद आपने इसकी वायर को ज़रूर से कवर करना है, क्योंकि ये थोड़ी ख़तरनाक एक्सपेरिमेंट है, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। स्विच ज़रूर लगाएं, बटन भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है साथ, और इसको पीछे से ज़रूर कवर करें। किसी भी इंसुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं अभी हॉट ग्लू इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपकी जो मर्ज़ी आप इस्तेमाल करें। उसके बाद हम लोग लेंगे एक टीन का डब्बा, इसके ऊपर मैंने काला स्प्रे भी कर दिया है ताकि इसमें से हीट एब्जॉर्ब हो जाए, और आप देख सकते हैं इसमें मैंने होल भी किया हुआ है ताकि आप इसमें से वायर बाहर निकाल सकें। ये पहले से कर लें वरना आपको बाद में मसला आ सकता है। आप देख सकते हैं मैंने इसकी वायर बाहर निकाल ली है और इसमें मैंने ये अंदर रख दिया है। आप इसको हार्ड ग्लू या एल्फी के ज़रिए इसको अंदर जोड़ लें, जैसे आपकी मर्ज़ी जी, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम एक कॉटन ले लेंगे, कॉटन को हम इसलिए ले रहे ताकि इसमें सारा सेट कर लें। इसके फ्रंट पर आप लोग एक स्क्वायर टाइप का होल कर लेंगे ताकि आप इसमें CPU फ़ैन जोड़ सकें, और ये मैं कर लिया है। CPU फ़ैन आप जोड़ लें, और अगर आप इसको और भी मज़बूत बनाना चाहते हैं तो आप इसमें हार्ड ग्लू या एल्फी दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल कर लें जो आपको बेहतर लगे। और इसको मैं अब आपको चलाकर भी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं कितना स्पीड में चल रहा है, और इसके पीछे मैंने वो भी रख दिया है अपना हीटर, और ये 12 वोल्ट अडेप्टर है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं बाहर से। काफ़ी ठंडी हवा कर रहा है अभी, तो अभी हीटर भी ऑन कर लेते हैं, और आप ऊपर से देख सकते हैं कि कितना, इसको आप बाद में बंद कर दीजिएगा ऊपर से, अभी मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए खोला हुआ है। और आप हीटर देख सकते हैं कितना जल्दी गर्म हो जाता है, काफ़ी जल्दी गर्म हो जाता है, और काफ़ी अच्छी हीट कर रहा है फ़िलहाल तो, ज़बरदस्त हीट कर रहा है। और मैं आपको फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, आप फ्रंट से भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हीट आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकता, तो मुझे तो बहुत पसंद आया। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पर, लेकिन फुल सेफ्टी के साथ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।